नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर चर्चा करेंगे, जो हमेशा पूछे ही जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बनाने से पहले आपको याद रखना है जो हमने सूत्र बताया था, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, जिनको हम केवल विद्युत क्षेत्र ही बोलते हैं, तो उस सूत्र को याद रखिएगा। फिर उस सूत्र के माध्यम से आप बहुत सारे गणित को बना सकते हैं जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आइए उस प्रश्न को हल करते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है 2×10³ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा, इसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो आइए दोस्तों, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सूत्र होता है उसको हम लिख लेते हैं इनका हल करने से पहले। तो हमने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका सूत्र क्या होता है, ई बराबर होता है एफ बटे क्यू, है ना। अब चूंकि इस प्रश्न में बल पूछा गया है, आप लोग प्रश्न में देख सकते हैं कितने बल का अनुभव करता है, तो इन्हीं सूत्र से हम बल का सूत्र निकाल सकते हैं। तो देखिए, बल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई और ये क्यू, ठीक है। अब हमको इस प्रश्न में जो दिया है उसको लिखना है, तो क्या क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया है, सबसे पहले हमको ये मालूम है कि आवेश जो होता है उसका मान फिक्स होता है, तो इनका आवेश इक्वल टू कितना होता है ये तो पता है हमेशा, 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम, ये आपको पहले से पता है, है ना। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, इसको पहले भी कई बार बताया गया है। और इस प्रश्न में जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है ई का मान, है ना। कितना दिया हुआ है ई का मान, पहले से दिया हुआ है, ये दिया है 2×10⁻³ न्यूटन कूलाम प्रति कूलाम, ठीक है। यह मान पहले से दिया हुआ है। अब इन्हीं मानों को यदि हम इस समीकरण में रख देते हैं तो हमारा जो बल है ना, उस इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा वो मान निकल जाएगा। तो आइए मान रख के देखते हैं। तो इसमें हम मान रख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं सूत्र में मान रखने पर। तो ये जो सूत्र है, आइए दोस्तों सूत्रों को एक बार लिख लेते हैं। तो सूत्र कितना हो गया है, F बराबर E Q। अब इसमें मान रखना है तो हमारा मान आ जाएगा F बराबर E का मान कितना है, ये देखो यहां पर है, तो ये है 2×10³ और मल्टीप्लाई, देखो ये जो सूत्र है Q, Q का मान यहां से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6×10⁻¹⁹, ठीक है। आप देखिए, हमने घातांक के नियम में पढ़े हैं, ध्यान दीजिए जब भी हम गणित बनाते हैं तो गणित के बहुत सारे नियम हैं जो हमेशा हमको याद होने चाहिए। देखो यहां पर देखिए 10³ है और यहां पर देखिए 10⁻¹⁹ है, तो ये क्या होता है, आधार यदि समान हो तो घात क्या होता है, जुड़ता है, है ना। अब जुड़ता है का मतलब अगर यहां पे प्लस है और यहां पर माइनस है तो क्या होगा, वो माइनस ही होगा ना। कि एक प्लस चार्ज हो ऐसा कोई संख्या है और एक माइनस हो इस प्रकार, तो वो दोनों क्या होता है, आपस में घट जाता है, क्योंकि यहां देखो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा यहां पर देखो एक प्लस है और एक माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी जो संख्या होती है जैसे 2 का गुणा इनके साथ, 2 × है ना, यहां पर 1.6, तो इनका गुना कर देंगे तो हम क्या कर देंगे, इसको गुना करेंगे तो इसको हम पूरा संख्या मानते हैं, मान जाए तो 16 हो गया, तो 16×32 हो जाएगा, और चूंकि दशमलव लगाना है तो 3.2 ही होगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 10⁻¹, देखो -19 है और यहां पर 3 है तो माइनस हो जाएगा, चूंकि चिन्ह जिनका बड़ा हो वही संख्या है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस ही लगेगा, ये हो जाएगा 16, ठीक है। इस प्रकार ये क्या होगा, उनका बल का मान, और बल को किससे दर्शाते हैं, न्यूटन से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार आप बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, एक और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न को हल कर देखते हैं। आइए दोस्तों, अब जिस प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, उसमें लिखा है 6 μc आवेश से
तीन सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, मतलब हमें इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो यदि आवेश दिया हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें पता है। तो आइए यहां पर हम एक हल लिख लेते हैं। दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने एक सूत्र निकाला था, वो आपको याद होगा, ई बराबर होता है एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो और क्यू बटे आर का स्क्वायर। ये सूत्र आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इन्हीं सूत्रों के द्वारा बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। अब इस प्रश्न में ऊपर आप देख सकते हैं, प्रश्न में लिखा है उसके आधार पर हम यहां पे जो दिया गया है उसको लिखते हैं, दिया गया है ना। तो सबसे पहले तो आवेश का मान ही दिया हुआ है, तो यहां पर क्यू का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 6 μc। μc मतलब क्या होता है, माइक्रो कूलाम। और मैंने आपको बताया था कि माइक्रो कूलाम और मिली कूलाम, यहां पर आप मिली कूलाम का मान भी जानते हो और एक माइक्रो कूलाम का मान भी जानते हो। एक मिली कूलाम बराबर कितना होता है, 10^-3 कूलाम होता है। ये सूत्र है, इनको मैंने बताया था, आपको याद भी होगा। और इसका मान होता है 10^-6 कूलाम। ठीक है, तो इन सूत्रों को हमेशा याद रखिए, इनको मैंने पहले भी बताया है, आज पुनः आपको बता दिया गया क्योंकि इसका उपयोग होने वाला है। अब देखिए क्यू बराबर कितना होता है, 6 μc। अब 1 μc बराबर 10^-6, तो यहां पर क्या कर देंगे हम इसको, क्यू का मान कितना हो जाएगा, 6 × 10^-6 कूलाम। ये हो गया किसका मान, ये तो हो गया क्यू का मान। अब यहां पर देखिए 1/4 πε₀ का मान, इसको भी मैंने आपको बताया था जब हम गणित हल कर रहे थे, तो 1/4 πε₀ का मान टोटल होता है 9 × 10^9। ये भी आपको पहले भी बताया गया है, तो इस मान को भी, और एक मान इसमें दिया हुआ है r का मान, तो r का मान भी पहले से दिया हुआ है, एवं r का मान यहां पे लिख सकते हैं, r = कितना दिया हुआ है, r का मान यहां पर दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें वाला सूत्र की आवश्यकता होगी। तो इस सूत्र में क्या करते हैं, हम इनका मान रखते हैं। तो आइए मान रखते हैं, तो यहां पर देखिएगा E बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए 1/4 πε₀ का मान है, देखो 1/4 πε₀ का मान तो इतना हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा 9 × 10^9 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहां पर आवेश लिखा है, तो इस आवेश का मान रखते हैं, तो आवेश का मान आपने कितना निकाला है, 6 × 10^-6। ठीक है, ये 6 है। अब यहां पर आर का वैल्यू दिया हुआ है, देखो आर का स्क्वायर दिया है, तो यहां पर आर का मान दिया हुआ है। अब R का मान यहां से निकालेंगे, तो R का मान कितना आ जाएगा, यहां पर 3 तो दिया हुआ है और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब इसका मान हमको रखना है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर 3 का जब हम दो बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 9 इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यहां पर देखो 6 है और यहां पर 1 बचा, तो 6 × अब देखो फिर पुनः वही बात आ गया कि यदि आधार समान हो तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है, तो प्लस माइनस में क्या होता है, माइनस ही होता है, और चिन्ह उसका लगाएंगे जो बड़ा है, तो इसमें बड़ा ये है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, लेकिन ये माइनस ही होगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 10^3 आ जाएगा। और इस प्रकार आप इसको आंसर लिख सकते हो, न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस प्रकार दोस्तों आप बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, जो बहुत ही सरल तरीके से बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।